मैम जारिया, हाउ आर यू? अलैकुम जी, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? थैंक आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू सेल्फ स्टडी इन पाकिस्तान. यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. अच्छा मैम, आपने एक तो CSS SA में 80 मार्क्स लिए, उसकी तो हम बात करेंगे. उसके अलावा आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए और आपने अकेडमी के बगैर CSS की तैयारी की, तो इसके बारे में आप एस्पायरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? किस तरह पॉसिबल है कि हम 12 सब्जेक्ट्स को घर बैठे तैयार कर लें? अच्छा तो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है. कोई एकेडमी में गए बिना जो है आप तैयारी भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं. तो कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं. एक तो ये है कि आपने रेलिवेंट बुक्स जो हैं उनसे पढ़ाई करनी है. ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको एक आधी अच्छी रेलिवेंट बुक मिल जाएगी. कुछ सब्जेक्ट्स में आपको दो या तीन बुक्स जो हैं उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं है कि आपने सारी बुक्स को कंसल्ट करने, सिर्फ आपने रेलिवेंट पार्ट्स जो हैं वो उन दो तीन बुक्स से कंसल्ट करनी है. ठीक है जी, इररेलीवेंट बुक्स पे आप ना जाइएगा, वो मैं कहूँगी वक्त का ज़िया होगा आपके लिए. अच्छा, बुक्स आपने कर ली शॉर्ट लिस्ट, अब आपने पढ़ाई शुरू कर दी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, और मुझसे ये पूछा भी काफ़ी जा रहा है कि जी मैम, हम इतनी सारी बुक्स हमने पढ़ ली हैं, लेकिन जब हम आफ्टर लाइक 1 वीक और 2 वीक्स दोबारा से उस टॉपिक पे आते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता. ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते जाएं, आपने साथ में जो है नोट्स ज़रूर बनाने हैं. आई कैन नॉट यू नो एम्फसाइज इनफ. तो वो आप साथ साथ बनाते जाइएगा. फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बड़े कंटेम्प्रेरी इन नेचर होते हैं, राइट, और ये आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी नजर आएंगे या आपको ऑप्शनल में भी नजर आएंगे. जैसे करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स आपका मैंडेटरी में हो गया, आपके ऑप्शनल में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं. तो उसमें क्या होता है जी, उसमें बुक्स या आर्टिकल्स होते हैं आउटडेटेड. ठीक है, तो आप उसके लिए ये करना होगा कि आप इंटरनेट पे जाएं, आप जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहां से आप रीसेंट डेटा इकट्ठा करें. तो आपका जो टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे. एक आपने माइंड में बात ये रखनी है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे देना. ठीक है, अक्सर एस्पिरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर इंटरनेशनल रिलेशंस लिया हुआ है जो कि 200 मार्क्स कोर्स है, तो वो उसके लिए मे बी 1 मंथ डेडिकेट कर देंगे, और एज कम्पेयर टू दैट कोई अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो उसके लिए वो सिर्फ 1 वीक करेंगे. तो आप ऐसा नहीं खींचिए. ठीक है, थोड़ा बैलेंस रखिए. तो आप डेज डिवाइड कर दें कि 100 मार्क्स का जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए लेट्स सपोज मैं 10 या 15 डेज डेडिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा आपने वो एक सब्जेक्ट लेट्स सपोज इन 15 डेज कवर कर लिया, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाइए. लेकिन आपने एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आपने एक सब्जेक्ट कवर करने के बाद उसे भूल नहीं जाना. ठीक है, आफ्टर मे बी 2-3 वीक्स आप दोबारा से आइए उस सब्जेक्ट पे और थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करते जाइए. ठीक, मैं कहूँगी CSS जो है वो ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा और फिर उसको रिटेन कितना किया. ठीक है, और वो रिटेन कहाँ से आएगा जी, वो आप जितनी ज्यादा आप रिविजन करेंगे. तो ये आपकी हो गई जी दूसरी टिप. तीसरी टिप ये है कि आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि मैं फेब में अगर एग्जाम है तो फेब 13th तक मैं अपनी प्रेपरेशन का जो है कैलेंडर वो इस तरह से एडजस्ट कर लूँ कि जी फेब 13th तक मेरी प्रेपरेशन चलती रहे. ये एक गलती है, बहुत एस्पिरेंट्स ये करते हैं. योर एम शुड बी के यू नो by January या by December 20th let's say, I need to cover all my syllabus. उसके बाद का जो महीना है ना, ये डेट, वो आपने एक तो आप इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस करते रहिएगा. ठीक है, आपने पास्ट पेपर्स जो प्रेसी के हैं वो करते रहिए, आप साथ में रिविजन करते रहिए. तो ये आपने माइंड में थोड़ी सी टाइमलाइन आप ये रखिए. तीन अगर ट्रिक्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आप बड़े आराम से घर बैठे बैठे बहुत अच्छी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं.